नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस पर विश्लेषण करेंगे। ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में सरकार की ये मंशा है कि वो नौकरी में रिजर्वेशन को बढ़ाकर 73% कर देगी। आज इसी से शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ JSSC के पंचायत सचिव की नौकरी सरकार की देने की इच्छा नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। क्या वहां पर जवाब दिया गया, ये भी बताएंगे। और सरकार किस प्रकार की राजनीति कर रही है, इसके साथ साथ JSSC में भाषा को लेकर जो विवाद था उस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। तो चलिए तीन चीजों में पहले शुरुआत कर लेते हैं कि झारखंड में आज अंतिम दिन था इस सत्र का, यानी कि जो सत्र चल रहा था शीतकालीन, इसका आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन सरकार ने कहा है कि 2 महीने के अंदर वह सरकारी नौकरी में और किसी भी शिक्षण संस्थान में भी 73% रिजर्वेशन देगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों कई रैली रांची में हो रही थी, जिसमें OBC मोर्चा अपना अधिकार मांग रहा था। सरकार ने कहा है कि नए फॉर्मूले के मुताबिक अगले 2 महीने में वह उपसमिति बनाकर के इसका निर्णय ले लेगी। इसमें गवर्नमेंट के मुताबिक ST को 32% अब नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस वक्त 32% नहीं मिलता है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब झारखंड में ST को 32% रिजर्वेशन देंगे, बहुत अच्छी बात है। SC को 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट है उसको 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको जैसा जानते हैं कि झारखंड में ST की जनसंख्या तकरीबन 26% है, और इसलिए 32% उन्हें दिया जा रहा है। झारखंड अलग राज्य का निर्माण भी ST के कारण ही किया गया था। OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन की संख्या जो है वो बढ़ करके 73% हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का क्या होगा। कुछ राज्यों में अभी भी 69% रिजर्वेशन, जैसे कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में 73% रिजर्वेशन दिया जाता है। वहां राज्य के विकास करने के लिए वहां के लोकल जनजातियों को या लोकल जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या फिर स्थानीय हैं उनको विशेष दिया जाता है रिजर्वेशन। झारखंड में अब आगे से जो सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि उपसमिति बनाकर को निर्णय लेंगे। हालांकि ये मामला नया नहीं है, मामला पुराना है। इसको सुदेश महतो ने विधानसभा में लाने के लिए क्वेश्चन आवर में इस क्वेश्चन को रखा था, लेकिन वो आज अब्सेंट थे तो उसके स्थान पर इसको लंबोदर महतो ने लाया। लाने के बाद इसका जवाब आलमगीर आलम ने दिया, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उपसमिति का गठन कर लिया जाएगा और 2 महीने के अंदर इसको वह पटल पर ले आएंगे, और आगे से जो सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें अब रिजर्वेशन का फार्मूला बदल जाएगा, और ऐसे में 73% रिजर्वेशन हो जाएगा। 10% जो EWS मिलता है, यानी कि रिजर्वेशन बढ़ करके 83% हो जाएगा। बाकी कुल सीट बचेंगे 17%, और इस 17% में अलग अलग लोग नौकरी के लिए आवेदन देंगे। लेकिन यह भी यहां पर समझना है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या कहता है, क्योंकि ये मामला जैसे 83% रिजर्वेशन पे चला जाएगा तो ये भारत में सबसे ज्यादा हो जाएगा, और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। इसलिए सरकार को अगर नौकरी देनी है तो रिजर्वेशन का प्रतिशत ऐसा सेट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे और उनकी काम भी हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से रिजर्वेशन को सेट किया जा रहा है, इससे लगता है कि सरकार चाहती है कि यह मामला उलझ जाए और ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। 83% रिजर्वेशन अगर मिलता है तो ये भारत में किसी भी राज्य में दिया जाने वाला सर्वाधिक रिजर्वेशन होगा। इंदिरा साहनी के केस में और दूसरे अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन को अगर 50% से ज्यादा किया जाता है तो उसके लिए रिलेवेंट कॉज होना चाहिए, ऑथेंटिफिकेशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। उपसमिति तो बना दी जाएगी, और साथ ही साथ झारखंड में ओबीसी मोर्चा शुरू से 27% रिजर्वेशन मांग रहा है। सरकार यहां पर एक कार्ड खेलना चाहती है कि 27% हम आपको देंगे, लेकिन ST को 32% कर देंगे, SC को 14% कर देंगे। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार की वोट बैंक पॉलिसी में किसी प्रकार का चेंजिंग हो पाता है या इससे इसका लाभ मिल जाएगा। स्टूडेंट को लेकर सदन में बहुत कुछ होता है, लेकिन अब हमें लगता है कि JPSC मामले पर कुछ भी नहीं हो पाया,
और अब जेपीएससी पर आंदोलन करने से भी स्टूडेंट्स को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लिहाजा आंदोलन करने का सभी लोगों ने अपना रुख बदल दिया है। हम भी अब आंदोलन वाली खबर तो आपको दिखाते हैं लेकिन उतना तरजीह अब नहीं दे रहे, अब क्लासेज वाली खबर आपके पास आ रही है। करेंट इवेंट जो है नेशनल इंटरनेशनल का, उस शो को लेकर हम स्वयं आ रहे हैं मॉर्निंग में, और इसके साथ साथ क्लासेस की भी ढेर सारी वीडियो आपको मिल रहा है, आप कमेंट भी करेंगे। स्टूडेंट्स के मुद्दे से जुड़ा हुआ दूसरा था भोजपुरी और अंगिका और मैथिली को लेकर के जो सवाल था, ये कांग्रेस की विधायिका है महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने आज ये आवाज उठाया। पहले भी एक बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाई थी, इन्होंने आवाज उठाया कि इसे दिया जाए जल्द से जल्द, और उनको क्षेत्र में जवाब देने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था आज जेएसएससी की लंबित नियुक्ति को लेकर, जिसका विनोद सिंह ने इस मामले को उठाया, माले विधायक है, इसका जवाब बहुत अटपटे तरीके से दिया गया, यानी कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए परीक्षा में, उत्तर आप कुछ और लिख दीजिए तो कैसा लगेगा। मान लीजिए कि आपसे मैथ पूछा जा रहा है, उत्तर संस्कृत का लिख कर आ जाए, कुछ ऐसा ही नजारा आज सदन में हुआ। प्रश्न ये था कि हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिया है कि पंचायत सचिव लिपिकीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाए, तो फिर सरकार क्यों देर कर रही है, प्रश्न ये था। उत्तर दिया गया कि वो इसलिए नहीं चाहते हैं देना कि अगर वो दे देंगे तो कोई ना कोई लड़का फिर हाईकोर्ट में केस कर देगा तो दिक्कत आ सकती है भविष्य में, इसलिए वो अभी नौकरी देना नहीं चाहते। प्रश्न ये पूछा गया कि जेएसएससी ने लिख करके दिया था कोर्ट को कि वह डिसीजन ले लेगी, अभी तक नहीं लिया गया। उत्तर मिला कि चूंकि सोनी कुमारी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट निकाला जाए। क्वेश्चन पूछा गया कि आपने बोला था कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को एक स्वायत्त बॉडी है और उसको काम करने की आजादी है। उत्तर मिला कि सरकार कार्मिक विभाग के ऊपर छोड़ दी है, वो जो चाहते हैं कर ले, यानी कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और आया। ऐसे में आलमगीर आलम ने 13 जिले का जिक्र कर दिया कि हम नौकरी तो 13 जिले में ही देंगे, ऐसे में दूसरे जिले वाले केस कर देंगे। जबकि क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 2400 जिला में समान व्यवस्था बनाते हुए, समान अवसर को देखते हुए नौकरी दे दी जाए, और इसी कारण को लेकर के आज काफी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे विधायक है, कैसे संसदीय कार्य मंत्री है। ये प्रश्नकाल के दौरान आपको यह भी चीज बता दें कि यहां पर जीके जैसा क्वेश्चन आंसर नहीं होता है कि जहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आपको एक मिनट के अंदर उत्तर देना है। ये प्रश्न सदन चलने के पहले, यानी कि सदन की शुरुआत जिस तारीख को होती है उसके पहले ही ये क्वेश्चन की लिस्ट एक महीने पहले भेज दी जाती है। इसका उत्तर संबंधित जो मंत्री होते हैं वह संबंधित विभाग को भेजते हैं, उस विभाग में जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं और सचिव होते हैं वो इसका उत्तर तैयार कर लेते हैं। प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न भी होता है, हालांकि विनोद सिंह ने पूरक प्रश्न भी साथ में ही पूछ लिया था। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि आप अगर उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए। क्वेश्चन की एक कॉपी स्पीकर के पास होती है, क्वेश्चन की दूसरी कॉपी संबंधित मंत्री के पास होता है, और तीसरी कॉपी सचिवालय में होता है। यहां पर उत्तर बहुत एक्सपर्ट्स लोग बनाते हैं, मंत्री को सिर्फ उत्तर पढ़ना होता है। ये ताजुब की बात होगी कि जब हाईकोर्ट का आदेश रहता है इसके बाद मंत्री जो है वो उत्तर कैसे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा आज जो झारखंड सरकार की ऑफिशियल टेलीविजन है उसमें प्रोग्राम रिलीज भी हुआ। इससे समझ में आता है कि सदन के अंदर सरकार थोड़ी भी गंभीर नहीं है स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर। यही कारण है कि झारखंड के स्टूडेंट निराश हो गए, अब वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जा रहे हैं। हमारी स्टूडेंट से अपील होगी कि आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम आंदोलन में आपके साथ खड़े भी रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज का शोक आप कितने दिनों तक मनाएंगे। क्या जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं वो कभी भी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं लिखेंगे? क्या वो अब के बाद अपनी सारी डिग्री फाड़ देंगे? इसलिए आंदोलन के साथ पढ़ना भी जरूरी है। अब आपको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको भी पता है कि जो बेस्ट हो सकता था, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट हो सकता था आपने किया,
सारे लोगों ने जेपीएससी के अगेंस्ट में किया, लेकिन जेपीएससी जब मनमानी पर उतर आई है, और जब जब एसपी ही चोरी करवा दे तो फिर चोर पकड़ने के लिए आप किसको कहेंगे? झारखंड में वैसा ही हालत हो गया है, जेपीएससी ही चोरी करवा दी, सरकार उसके पक्ष में जाकर खड़ी हो गई। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ना तो इसमें कोई सीबीआई जांच होगी, ना ही इसमें कोई निगरानी जांच होगी, और ना ही हम कुछ करेंगे भविष्य में, आपको जो करना है कीजिए। और यही कारण है कि स्टूडेंट निराश जरूर होंगे, लेकिन झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में भी ऑप्शन है। आप बिहार की ओर जाएं, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की ओर जाएं, क्योंकि यहां पर वैकेंसी आएगी नहीं, और आएगी तो इतने जंजाल में फंस जाएगी कि आपके लिए भारी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसा आपने अभी देखा कि अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि हम 83% तक रिजर्वेशन देंगे, अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ लेते हैं तब। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में 83% तक रिजर्वेशन हो जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक जाएगा। तो नौकरी किसको मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, समझना जरूरी है। हमारा ये सजेशन है कि आप आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन 2400 घंटा सिर्फ आंदोलन की ही बात करेंगे, सिर्फ प्रोटेस्ट की बात करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको अपने घर में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप कीजिए, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम है, रेलवे के कई एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी का एग्जाम होगा, दूसरे परीक्षाएं होंगी, झारखंड में फिर अपॉर्चुनिटी आएगा। दबाव जिस प्रकार का जितना बेहतर बन सकता था वो बन चुका। देखना पड़ेगा कि सरकार के मन में ये हृदय परिवर्तन कब होता है, कब वो सोचते हैं कि वो स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं, कब वो सोचते हैं कि जनता के लिए वो बेहतर करेंगे। और एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब झारखंड की सरकार आपके लिए सोचेगी, बेहतर सोचेगी। हमारे साथ आप जुड़ेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लासेस की सारी वीडियो अब फ्री जा रही है आपके पास में। इसके साथ साथ प्रतिदिन का करंट अफेयर्स का शो लेकर हम जल्द आ रहे हैं, जिसमें 1 घंटे का पूरा विश्लेषण होगा।